वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पीएलसी स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। इस वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन सेट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 MCS। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का हम इंस्ट्रक्शन सेट इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। ये क्या है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। ठीक है, अब बता दें इंस्ट्रक्शन सेट है एक प्रकार का कमांड होता है जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर द्वारा दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज नथिंग सिंपली ए टाइप्स ऑफ कमांड। ठीक है, एक प्रकार का कमांड है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा दिया जाता है। जैसे हम कहें मूव आर्यन कामा ए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेटर के डाटा को आर्यन के अंदर मूव करो या कॉपी करो। आर्यन रजिस्टर बैंक, जो हमने डिफरेंट टाइप रजिस्टर बैंक बनाया उसके बारे में बता रहा हूँ। एक्यूमुलेटर के डाटा को आर्यन के अंदर मूव करो या कॉपी करो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का कमांड है जिसमें यूज क्या किया गया है, मूव। एक डाटा इंस्ट्रक्शन है, डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन है, मूव, डाटा को मूव करने का है। तो मूव क्या है? डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन का एक निमोनिक्स है जिसको एम मूव ही बोलते हैं। ठीक है, मूव आर्यन, आर्यन क्या है आपका डेस्टिनेशन है, और ए क्या है सोर्स है। सोर्स से डाटा को डेस्टिनेशन में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है या मूव करना है। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन के लिए आपको सबसे पहले निमोनिक्स चाहिए, निमोनिक्स के बाद आपको क्या चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। तो सोर्स, डेस्टिनेशन और निमोनिक्स ये मिल करके क्या बनाते हैं, एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो आइडिया तो इसको समझ में आ गया होगा, इसको आइडिया तो मिल गया होगा कि इंस्ट्रक्शन वास्तव में क्या है। इंस्ट्रक्शन इज ए टाइप्स ऑफ कमांड विच हैज़ बीन गिवन बाई माइक्रो कंट्रोलर टू परफॉर्म द स्पेशल टाइप ऑफ टास्क, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन यू कैन से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कमांड है जो किसी विशेष फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए जो किसी विशेष ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए माइक्रोकंट्रोलर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का कमांड है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए माइक्रो कंट्रोलर द्वारा दिया जाता है। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इज ए नथिंग सिंपली ए टाइप ऑफ कमांड व्हिच हैज बीन गिवन बाय द माइक्रो कंट्रोलर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए माइक्रो कंट्रोलर द्वारा दिया जाने वाला कमांड ही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, सच एज
या एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको देखना है, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहते हैं, जैसे हम लिखें मूव आर्यन कामा ए, इसका मतलब हुआ एक्यूमुलेटर के डाटा को आर्यन में क्या करें, मूव करें या कॉपी करें, ठीक है। इसको क्या है, एक्यूमुलेटर के डाटा को आर्यन बैंक रजिस्टर में क्या करें, मूव करें या कॉपी करें। तो ये क्या है, एक प्रकार का कमांड ही है जो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा इसके डाटा को यहाँ भेजने के लिए, मतलब इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए दिया जा गया है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको ये क्या है आपका, ये है आपका क्या, एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रक्शन। ये क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन। तो इसमें ये क्या है आपका, निमोनिक्स। क्या है ये, निमोनिक्स है, ठीक है। और ये आर्यन क्या है आपका, डेस्टिनेशन। ये क्या है, डेस्टिनेशन, जहाँ फाइनली डाटा मूव होता है या जाता है या ट्रांसफर होता है। ये क्या है आपका, सोर्स। क्या है, सोर्स। तो आप इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है, यानी कि ये जो निमोनिक्स होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑपकोड। क्या बोलते हैं इसको, ऑपकोड। और ये जो डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन और सोर्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, ठीक है ना। तो आपका ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों मिल करके इंस्ट्रक्शन बनता है, यानी कि आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू ऑपकोड प्लस ऑपरेंड, ठीक है। ऑपकोड क्या है, जो फंक्शन परफॉर्म कराना है। अगर कहा जाए ऑपकोड क्या है, तो ऑपकोड के बारे में आप क्या बताएंगे, इसको अगर हम मिटा दें, हम तो जान ही रहे हैं कि हम कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको अगर यहाँ से रिमूव करें तो ये चीज़ें रिमूव हो सकती हैं। अब यहाँ से हमको क्या पढ़ रहे हैं, तो हम जान ही रहे हैं, इसमें जो आपका आप कोड है, आप कोड का मतलब क्या होता है, देखो चीज़ें को मैं हिंदी में लिख रहे हैं, आप कोड का मतलब जो फंक्शन परफॉर्म करानी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ये आप कोड इसके बारे में जानकारी देना देता है, ठीक है। क्या करना है, कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है, ऑपकोड देता है, ठीक है। इसकी जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है, कि कौन सा फंक्शन आपको क्या करना है, परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो ऑपकोड किसकी जानकारी देता है, जिस फंक्शन को परफॉर्म कराना हो, जैसे यहाँ मूव मतलब डाटा को मूव करना है एक्यूमुलेटर टू आर्यन रजिस्टर बैंक, ठीक है। तो ये मूव बताता है कि कौन सा ऑपरेशन है, तो डाटा मूविंग का ऑपरेशन है, ड्यूटी डाटा मूविंग का क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के बारे में जानकारी देता है, ऑपरेशन के बारे में जानकारी देता है जो यहाँ परफॉर्म कराना होता है, ठीक है। इसके बाद डाटा जाता कहाँ, ऑपरेंड क्या होता है आपका, ये जो आपका ऑपरेंड होता है, अपेरेंट जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन प्लस सोर्स, ठीक है। ये होता है आपका क्या, अपेरेंट। सोर्स कहाँ है, इनिशियल पॉइंट ऑफ डाटा। सोर्स क्या होता है आपका, इनिशियल पॉइंट ऑफ डाटा। डाटा का जो आरंभिक स्थित होता है वो सोर्स होता है, वो क्या होता है, सोर्स। जैसे डाटा कहाँ है, एक्यूमुलेटर में है, तो क्या है, सोर्स है, ठीक है। अब डाटा जहाँ पे ट्रांसफर या मूव होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन, ठीक है ना। आप डेस्टिनेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप डेस्टिनेशन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे फाइनल पोजीशन ऑफ डाटा। डाटा फाइनल में जहाँ जाती है, ठीक है, वही क्या है, उसका डेस्टिनेशन है, ठीक। इस प्रकार आपको हमने क्या बताया, इंस्ट्रक्शन बताया, और क्या बताया, इंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट। तो आप ऐसे कह सकते हैं इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के सभी ग्रुप को मिला करके क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन सेट। तो अगर इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, से मान लीजिए कि अगर आप इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इंटायर मतलब सभी, इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या है आपका इंस्ट्रक्शन का सभी ग्रुप। यानी कि आप कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का जब कलेक्शन करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को क्रम से हम जब लिखेंगे तो उनका जब एक ग्रुप बन जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे। तो इंस्ट्रक्शन सेट इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन का सभी ग्रुप। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, इंस्ट्रक्शन का या निर्देशों का संपूर्ण, निर्देशों का ग्रुप क्या कहलाता है आपका, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट टू अंडरस्टैंड द डीप नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8054 माइक्रोकंट्रोलर। माइक्रोकंट्रोलर के लिए जो भी इंटायर नॉलेज है आपके सामने रिप्रेजेंट, अभी बहुत चीज़ें बताना है, इसके बाद हमें आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीन शॉट एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वी विल स्टडी हियर। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट एंड नाउ आई एम स्टार्ट द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट which has been explained by you, by me before you। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, बेस्ट लग रही हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, आप इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त आइडिया देंगे, फिर विथ एग्जांपल हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में आप अपने मन से अगर भी चाहें तो आसानी से लिख सकें, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, लिसन टू मी केयरफुली, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सेट यू कैन से, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको हम क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे क्या, निर्देशों के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के निर्देश होते हैं हम उनके बारे में हम सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम टाइप बताते हैं आपका, डाटा मूविंग और डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। शायद इसमें इंक ख़त्म हो गया है, हम ब्लैक यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। दूसरा आपका क्या है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। और आपका लास्ट और चौथा क्या है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली हम ये चार प्रकार के इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे, इनका यूज पढ़ेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन, फिर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डाटा मूविंग में सीधी सीधी बात है कि डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होगी, मूव होगी या कॉपी होगी,
जिसको हम सबसे पहले एग्जांपल के रूप में बताए हैं। डाटा मूविंग में डाटा क्या होगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी या मूव होगी या कॉपी होगी। लॉजिकल में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जैसे आपका एंड गेट को ANL के फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म होते हैं इनके, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, जिसमें सब्ट्रैक्शन डिवीजन इस तरह का अर्थमेटिकल प्रोसेस या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। ब्रांचिंग में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन जंप करेगा एक प्लेस से, एक जगह से दूसरे जगह पे, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी अब करेंगे। डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन या डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डाटा मूविंग और डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लिसन टू मी केयरफुली। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में भी यही चीज़ कहेंगे डाटा मूविंग। यार इसको मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल अगर समझना है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर इसको देखना है, तो इसका एग्जाम्पल है मूव RN, A जो अभी हमने समझाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन, इसको हम थोड़ा सा एलुबरेट कर दें, एक्सप्लेन कर दें तो और चीज़ें समझ में आएंगी। इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर के डाटा को, एक्यूमुलेटर के डाटा को आर्यन रजिस्टर बैंक में क्या करो, मूव करो या कॉपी करो, ठीक है। तो आपका मूव, एक्सचेंज, इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन है वही क्या है, आपका डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन है। और भी एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। इसका बेटा और भी एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन आते हैं डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन में, उसको हम देखते हैं। मूव पहला इंस्ट्रक्शन होता है क्या, मूव का। दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है पॉप और पुश का, पॉप और पुश से तो आप परिचित होंगे। तीसरा होता है आपका एक्सचेंज का। ये तीन प्रकार के इंस्ट्रक्शन आते हैं डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक चीज़ धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका हम एक दूसरा एग्जांपल बताना चाहेंगे। एक एग्जांपल फर्स्ट है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल सेकंड क्या है आपका, मूव ए #43H। आप कहेंगे इस हैशटैग का मतलब है, इस हैशटैग का क्या मतलब है, ये बताता है इमीडिएट डाटा को बताता है। कहेंगे इमीडिएट डाटा क्या है, जब एड्रेसिंग मोड पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ हम बताएंगे ये सब डाटा क्या होती है। इमीडिएट डाटा का मतलब यहाँ पे कोई मेमोरी, कोई लोकेशन कुछ नहीं दिया जाएगा, कोई एड्रेस कुछ नहीं, डायरेक्ट डाटा को ही यहाँ पे दे दिया गया है। और कहा जा रहा है कि इस डाटा को एक्यूमुलेटर में मूव करो या कॉपी करो। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इमीडिएट डाटा ही दे, डायरेक्ट डाटा ही दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको कहाँ मूव करो, एक्यूमुलेटर में मूव करो या कॉपी करो। ये हैशटैग है जो इस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, इमीडिएट डाटा है। क्या है ये, इमीडिएट डाटा है, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, फोर्टी थ्री डाटा को एक्यूमुलेटर में क्या करें, मूव करें या कॉपी करें। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये मैं आपको पहला डाटा मूविंग का जो पहला इंस्ट्रक्शन है, मूव इंस्ट्रक्शन, उसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब मैं पुश और पॉप का एग्जांपल बताऊँगा, फिर मैं आपको क्या बताऊँगा, एक्सचेंज का एग्जांपल बताऊँगा, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, फिर पुश और पॉप का हम देखेंगे, ठीक। हाँ
तो बेटा अब हम स्टडी क्या कर रहे हैं, डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन। डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन का मैं एक एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूँ। हमको लगता है कि जितना एग्जांपल मैंने बताया वो आपके लिए पर्याप्त है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन के बारे में। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन, कहेंगे सर ये क्या है, ये आपका डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन का भी एक टाइप है, ठीक है ना। जो डाटा मूविंग आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है उसमें आपने तीन टाइप पढ़ा है, पहला था मूव और दूसरा क्या था आपका पुश एंड पॉप, पुश एंड पॉप, और तीसरा आपका क्या है एक्सचेंज। तीन प्रकार का आप क्या पढ़ेंगे, तीन प्रकार का इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे, मूव पुश एंड पॉप, उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप एक्सचेंज। तीन प्रकार का इंस्ट्रक्शन किसमें, डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन में। क्या है ये, डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन के टाइप्स में, ठीक है। इसमें मूव का एग्जांपल हमने बता ही दिया अच्छे तरीके से। अब पुश एंड पॉप का इंस्ट्रक्शन देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पुश और पॉप का मतलब धक्का देना और पॉप करना नहीं होता है, ठीक है। इसका कुछ और मतलब है, इसको हम बताएंगे। हमने इसके बारे में बताया था, ये स्टैक का इंस्ट्रक्शन है। जब पुश इंस्ट्रक्शन हम देते हैं इसका मतलब है कि डाटा किसी अन्य जगह से हम स्टैक में डाल रहे हैं। जब डाटा को हम स्टैक में डालते हैं तो स्टैक ESP+1 एक इंक्रीमेंट हो जाता है पुश ऑपरेशन से। और पॉप से, जब स्टैक से डाटा को हम क्या करते हैं रीड करते हैं, ठीक है, तो आपका स्टैक ESP-1 हो जाता है, मतलब डाटा उसमें स्टैक एक क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो हमने बताया था स्टैक एक रैम का ही एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें डाटा को एक क्रम में एक आर्डर में क्या किया जाता है अरेंज किया गया होता है, ठीक है, उसके एड्रेस के साथ। तो इस स्टैक के डाटा जब उसमें से ले लिया जाता है तो ESP-1 ये किसके द्वारा होता है, ये पॉप इंस्ट्रक्शन के द्वारा, मतलब स्टैक एक कम हो गया। और फिर बाहर से डाटा इसके अंदर डाला जाता है तो स्टैक ESP+1 हो जाता है, ये किसके द्वारा पुश इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो जहां आप मूव इंस्ट्रक्शन में पुश और पॉप देखेंगे वहां आप समझ जाएंगे कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के में ही डाटा को डाला गया है या डाटा इससे निकाला गया है। पुश और पॉप का मतलब ये होता है, ठीक है। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज वन टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन ऑफ रजिस्टर व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी इन बिफोर आर यू कैन से इन प्रीवियस लेक्चर। गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओपन द लिंक एंड शो द प्रीवियस लेक्चर रिलेटेड टू स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, देन यू कैन अंडरस्टैंड द डीपली पॉइंट्स रिलेटेड टू पुश एंड पॉप। आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर्स को ओपन करिए, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो मूव पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये निमोनिक्स है किसका, एक्सचेंज का। क्या है, निमोनिक्स किसका है, एक्सचेंज का। आप इसको लिख सकते हैं XCHEJ निमोनिक्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। किसका, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का क्या है ये निमोनिक्स है, कौन सा AXCH। अगर हमें एग्जांपल अगर इसका देखना हो, एग्जांपल अगर देखना हो, अगर हम लिख देते हैं XCHA एग्जांपल XCHA, ये पहला एग्जांपल, और इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं क्या XCHA-54H, ठीक है। यह डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यह डायरेक्ट, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, हम बताएंगे इसके बारे में। एड्रेसिंग मोड जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो सीधे XCH यहाँ पे लिखा गया है, तो XCH से आप समझ गए कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन है डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब REN के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या करो, एक्सचेंज करो। इसका मतलब क्या हुआ आपका, REN के डाटा को यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, REN के डाटा को
एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ एक्सचेंज करो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 54H मेमोरी लोकेशन के डाटा को, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 54H मेमोरी लोकेशन के डाटा को, लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा से, के डाटा से क्या करो, एक्सचेंज करो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन के तीनों टाइप्स एक्सप्लेन किया, मूव, पुश एंड पॉप और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों इंस्ट्रक्शन आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। इतना ही एग्जाम्पल पर्याप्त नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इतने तक ही सीमित मत रहिएगा, आप जाइए और सारे बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करिए, आपको डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे करके इसके बारे में आपको हमने समझाया। तो बेटा आज का लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इंस्ट्रक्शन पढ़ा, जो नथिंग क्या है, कमांड है जो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए दिया जाता है। इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन के समूहों को हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इंस्ट्रक्शन आपका निमोनिक्स, डेस्टिनेशन, सोर्स, इन तीनों से बनता है। निमोनिक्स को आप कोड कहते हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप कोड इसके बारे में बताता है। डेस्टिनेशन में फाइनल पोजीशन डाटा की होती है, और आपका सोर्स आपका इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन डाटा का होती है। डाटा पहले जहां उपस्थित होता है वो सोर्स होता है, फाइनल वो जहाँ जाता है वो डेस्टिनेशन होता है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन मिल के आपके बनते हैं ऑपरेंड, और निमोनिक्स आपका अकेला क्या होता है, आप कोड, यानी कि इंस्ट्रक्शन के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, आप कोड प्लस ऑपरेंड, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने देखा था। इसमें सबसे पहला था डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन और डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन आपको हमने पढ़ाया। डाटा मूविंग में तीन प्रकार का इंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहला आपको मैं बताया मूविंग इंस्ट्रक्शन, मूव या मूवी, उसके बाद पुश एंड पॉप, उसके बाद मैंने बताया एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला इंस्ट्रक्शन लेकर हम आएंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कोई अगर सुझाव हो, कोई क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, नए उमंग और नए भरोसे के साथ आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।